भारत जोड़ो यात्रा का पांचवा दिन है और आज ये यात्रा लगभग सुबह 13 किलोमीटर चलेगी। आप देख रहे हैं पारसाला से ये यात्रा निकली है और लगातार रोज सुबह शाम 12-13 किलोमीटर कवर हो रहे हैं। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए अब ये यात्रा केरला में आ गई है और तिरुवनंतपुरम के इलाके में ये यात्रा लगातार चल रही है, आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूर दराज छत्तीसगढ़ से आए हैं, ये भारत झारखंड से, और भारत यात्री नहीं है, ये अतिथि यात्री है और अपना राहुल गांधी का पोस्टर लिए। बाबा कितना भारी है सामान पीछे, 15 केजी सामान है और इसी स्पीड से आप चल रहे हैं। पैर में दर्द वर्द नहीं है? थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन ये दर्द की परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि ये राहुल गांधी ने जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए पैदल चल रहा हूँ। कोशिश करूँगा जो कश्मीर तक जाए मैं कन्याकुमारी से, और जो अभी बीजेपी सरकार जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोगों को बांटने और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जिसे पूरे हिंदुस्तान में द्वेष फैल गई है, जिसे द्वेष फैल गई है। यहाँ पे दिग्विजय सिंह है मौजूद जो कि कन्वीनर है इस यात्रा के, तो लगातार आप आगे सेवा दल की टुकड़ी के साथ चल रहे हैं। दिग्विजय जी, ये यात्रा कितनी कारगर साबित होगी? चर्चाओं में बहुत बनी हुई है। अमित शाह ने कहा राजस्थान में कि राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा विदेशी टी शर्ट पहन के कर रहे हैं। कभी आपने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि उनका चश्मा, उनकी कलम, उनके कपड़े कौन से ब्रांड के हैं? इस बात की चर्चा अगर होने लगे तो क्या ये दर्शाता है, क्योंकि लगातार बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से होता है, फिर देश के गृह मंत्री राहुल गांधी की टी शर्ट की चर्चा एक रैली में करते हैं, तो इसके क्या मायने समझे जाए? इसका मायने ये है कि भाजपा और संघ परेशान है कि भारत जोड़ो यात्रा को हम लोग बदनाम कैसे करें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा में बेचैनी है? निश्चित है, परेशानी है, बेचैनी भी है, परेशानी भी है। किस बात को लेके? क्या आपको लगता है कांग्रेस इससे जो है एक बार फिर से जान फूंक पाएगी अपने पर? उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जी पैदल यात्रा करेंगे। दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का ही ज्ञान नहीं है, तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा जब वो निकाल रहे हैं तो वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, इसका कुछ उनको पता है? अमित शाह जी, जरा नरेंद्र मोदी जी के बयान देख लीजिए, उनको देश के कितने इतिहास की जानकारी है। तो यहाँ पे लगातार आप देखिए कि दिग्विजय सिंह पलटवार करते हुए, पर 5 दिन हो गए हैं यात्रा को और 3 बवाल खड़े हुए हैं या 3 विवाद भाजपा ने, एक आपके ये कंटेनर्स को लेके, दूसरा राहुल गांधी के कपड़े को लेके और तीसरा जिन पादरी से वो मिले थे कल उनको लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ। विवाद केवल भाजपा के दिमाग में है, जनता में नहीं है। कहा गया कि भाई वो हेट स्पीचेस देते हैं, नफरत भरे भाषणों के लिए उनको बुक किया गया था, उनसे क्या मिलने की राहुल गांधी को जरूरत थी, बोल रहे राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बात यह है जो उनके लिए इन्फ्लेमेटरी स्पीच होती है वो हमारे लिए सद्भावना का संदेश होता है। आप उन पादरी के लिए भी कहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ तो मामले दर्ज है हेट स्पीच को लेकर? मुझे नहीं मालूम कौन, मुझे नहीं मालूम कौन पादरी जी थे, उनसे पूछताछ करना चाहिए सरकार को। तो यहाँ पे दिग्विजय सिंह ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरी यात्रा को लेके काफी बेचैन है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि वो जो पहनावा है, उनका जो पहनावा है उसके बारे में कभी मीडिया नहीं पूछती। पीछे आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा लगातार कुछ इस तरह आगे बढ़ रही है और हर दिन एक नया विवाद भी इससे जुड़ा हुआ
सामने आ रहा है। कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से बीजेपी लगातार अपने आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए है, उस इस भारत जोड़ो यात्रा ने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, तिरुवनंतपुरम, आज तक।